Hello, hi. Very good afternoon to all. I'm audible and visible, just let me know. क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी तक? जल्दी से सभी लोग आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. हाय ऋषव, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम टू आवर सेशन. जल्दी से आ जाओ. और आज से हमने फिर से पियर्सन सीरीज को स्टार्ट कर दिया है. कई बच्चों की डिमांड थी पियर्सन सीरीज को बार बार लाने की, तो इसे मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है. और हम यहाँ पे मेंसुरेशन कवर करेंगे फॉर क्लास 9th और 10th दोनों की बुक का. पियर्सन की जो हमारी दोनों बुक हैं, हमारी क्लास 9th और 10th की दोनों की बुक से हम इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे. और मैंने इस चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर रखा है. आज आपसे तीन बार मिल चुका हूँ. हाँ, आज ये तीसरी क्लास है सब. यस, मेरा नाम है शैलेंद्र गंगवार. आई हैव डन बीटेक एंड एमटेक, डायरेक्टर जेनेस अकेडमी बरेली, 6+ का टीचिंग एक्सपीरियंस, गेट क्वालिफाइड, एंड आई मेंटर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट कम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स. ये हमारा एक बैच चल रहा है, एस्पायर बैच फॉर फाउंडेशन एंड ओलंपियाड क्लास 9th के लिए. जो भी बच्चे क्लास 9th में, वो इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. हमारा एक दूसरा बैच कोर्स चल रहा है, दैनिक जेनित बैच कोर्स. और ये बैच कोर्स हमारा क्लास 10th के लिए हमारा है. और इस बैच कोर्स में मैं आपकी मैथ्स की क्लासेस ले रहा हूँ 4:45 PM टू 5:45 PM, इसकी टाइमिंग है. और एक क्लास हमारी मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे होती है. हाय दिगंत, हाय जानवी, जल्दी से आ जाओ. अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं और अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं. इसके आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? हाय पार्थ, आप कभी भी लाइव और रिकॉर्डेड सेशन अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर, गेट एक्सेस टू मल्टीपल करस्पॉन्डेंस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, स्ट्रेटेजी सेशन एंड मास्टर क्लास, अनलिमिटेड क्विजेज, स्टडी मटेरियल हाई सोवेद, स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट एंड मल्टीपल लाइव डॉट क्लियरिंग सेशन आपको यहाँ पे मिलते हैं. अगर आपने जी नीट फाउंडेशन एंड NTC का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, तो आपके प्लान की ये लिस्ट यहाँ पे है. हाई निश्चिन, मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1 year एंड 2 year का प्लान. इसकी कॉस्ट है 1458 rupees पर मंथ. और इसकी कॉस्ट कितनी है? 875 rupees पर मंथ. और एक कॉस्ट और भी कम हो जाएगी अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे सेल, आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट. फाइन, अब अनकेडमी पे आप कॉम्बो प्रोडक्ट भी ले सकते हैं. मीन्स आप एक कोर्स के साथ में एक और कोर्स भी ले सकते हैं. जैसे कि अगर आप 11th एंड 12th का कोर्स ले रहे हैं, तो 11th एंड 12th के साथ में आप जी और नीट का कोर्स भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे आपको एक कॉम्बो डिस्काउंट मिलता है. और कॉम्बो डिस्काउंट अर्न करने के लिए आप मेरा एक कोड इस्तेमाल करें सेल. मैं आपको प्लस के बजाय आइकोनिक का प्लान सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आइकोनिक के प्लान में आपको ये 4 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं. आपको एक पर्सनल कोच मिलता है जो थ्रू आउट द कोर्स आपको गाइड करता है, मेंटर करता है एंड सपोर्ट करता है. क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस होती है. आपको एक स्टडी प्लानर मिलता है. एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टाइम टू टाइम आपको एक्सपर्ट गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं. 2 year प्लान की हमारी कॉस्ट है 57,000 और 1 year प्लान की कॉस्ट कितनी है? 35,500. ये कौन सा प्लान है? ये हमारा आइकोनिक प्लान है. ये कॉस्ट और भी कम हो जाएगी अगर आप मेरा कोड सेल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. जो बच्चे न्यू हैं और पहली बार मेरा सेशन देख रहे हैं, मेरा जो डेली का क्लास शेड्यूल है, मेरी पहली क्लास होती है मॉर्निंग में 7 AM पे होती है, दूसरी क्लास 12:30 PM पे, थर्ड क्लास 7 PM पे एंड लास्ट क्लास 8:30 PM पे होती है. फाइन, तो जो आज का हमारा सेशन है, पियर्सन IIT फाउंडेशन मैथमेटिक्स की हमारी बुक है, उस बुक का चैप्टर हम मेंसुरेशन डिस्कस करेंगे. और मेंसुरेशन में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. फाइन, स्टार्ट करते हैं. सभी लोग तैयार हैं इस अमेजिंग सेशन के लिए? जल्दी से आ जाओ. वेरी गुड आफ्टरनून रिद्धि, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे क्या है, मेंसुरेशन क्या होता है? मेंसुरेशन हमारे क्या है, ये मैथ्स की हमारी एक ब्रांच है. जिस ब्रांच में, ये हमारी मैथ्स की एक ब्रांच है
जिस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं कि लेंथ, एरिया, पैरीमीटर, वॉल्यूम, मतलब किसी भी फिगर का लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करें, या हम उसका पैरीमीटर कैसे कैलकुलेट करें, यस, और इन सभी का जो मेजरमेंट है, आई थिंक कलर विजुअल नहीं है, इन सभी का जो हमारा मेजरमेंट होता है, उस मेजरमेंट को हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, हम स्टडी करते हैं मेंस्ट्रुएशन में स्टडी करते हैं, फाइन। अब इसमें हमारा क्या आता है, इसमें हमारा आता है कि हम जनरली जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम एरिया के बारे में बात करने वाले हैं, हम एरिया के बारे में बात करने वाले हैं और हम वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले हैं। एरिया हमारे क्या होता है कि किस कोई भी हमारे पास क्या सॉलिड है या हमारा प्लेन फिगर हमारे पास है वो कितना स्पेस घेरता है। सपोज मेरे पास क्या एक बुक है, उस बुक को मैंने टेबल पर रख दिया और वो बुक हमारा कितना स्पेस घेर रही है, सपोज बुक हमारा इतना स्पेस टेबल का घेर रही है तो क्या कहलाता है, हमारा एरिया कहलाता है, ठीक है। मतलब कि कोई चीज़ कितना जगह घेर रही है उसे क्या बोलेंगे, हम एरिया बोलते हैं। एरिया हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा होता है लैटरल सरफेस एरिया और एक हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया होता है। लैटरल सरफेस एरिया हमारा एक दूसरा नाम भी है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। लैटरल सरफेस एरिया किसे बोलते हैं, कोई भी हमारा एक फिगर है, सपोज हमारे पास क्या है, ए हमारे पास एक क्यूबॉइड है, सपोज ए हमारे पास एक क्यूबॉइड है सपोज, तो लैटरल सरफेस, लैटरल का मतलब होता है कि जिसके पास क्यों प्लेन फेसेस हों, उसके पास क्यों प्लेन फेसेस हों, तो उसके चारों तरफ जो एरिया होता है, फॉर एग्जाम्पल आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम की जो चार दीवार हैं उन दीवारों का जो एरिया होता है हम उसे नाम देते हैं लैटरल सरफेस एरिया। आपके पास एक ग्लास है, ग्लास के चारों तरफ का जो एरिया है हम उसे क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। मीन्स जिसमें कर्व फेस होगी, जिसमें कर्व फेस होगी हम उसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे और जिसमें प्लेन फेस होगी हम उसे लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, फाइन। अब इसी लैटरल सरफेस एरिया में, लैटरल सरफेस एरिया में मैं बेस का और टॉप का एरिया और ऐड कर दूँ। मैंने क्या किया, इस लैटरल सरफेस एरिया में बेस का एरिया और टॉप का एरिया और ऐड कर दिया तो हम उसे क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। जैसे हम जिस रूम में बैठे हैं उसकी चारों दीवारों को मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया तो उन दीवारों के जो एरिया को क्या बोलेंगे, हम लैटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। और उस दीवार के एरिया में मैंने फ्लोर का एरिया और मैंने टॉप का एरिया मैंने क्या किया ऐड कर दिया तो हम उसे बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, फाइन। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि वॉल्यूम किसे बोलते हैं, कोई चीज़ कितनी कंटेन करती है, कोई भी जो हमारा कंटेनर है वो कितनी क्वांटिटी कंटेन कर सकता है, कोई भी कंटेनर हमारा कितनी क्वांटिटी कंटेन कर सकता है हम उसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक ग्लास है, इस ग्लास में कितना वाटर है, सपोज इस ग्लास में मैंने पानी भरा तो इस ग्लास में कितना वॉल्यूम है, पानी हमारा भरा हुआ है तो ग्लास में हम जितना पानी भर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, वो ग्लास का हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कंटेनर है वो कितनी क्वांटिटी कंटेन कर सकता है हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे वॉल्यूम बोलते हैं, फाइन। बहुत ही बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारा जो मेजर टॉपिक है, हम अपने मेजर टॉपिक पे आते हैं और हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है क्यूब और क्यूबॉइड, बहुत ही बेसिक है और हम लास्ट में इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो क्यूबॉइड के बारे में बात करें, क्यूबॉइड हमारे एक क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है जिसके पास क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर क्या होती हैं, इसके पास हमारी रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं, क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस होती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है या आपने एक ब्रिक देखी, ईंट देखी हुई, तो ईंट का जो शेप होता है वो किस तरीके का होता है, हमारा इसी तरीके का शेप होता है। तो उस ईंट में आपको चारों तरफ जो प्लेन क्या दिखती है, सरफेस दिखती है, उस प्लेन सरफेस को क्या बोलते हैं, हम उसे फेस बोलते हैं। जो यहाँ पे हमें प्लेन फेस दिख रही, सरफेस दिख रही है, हम इसे क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। और ये फेस कैसी होती है, ये रेक्टेंगल शेप में होती है, फाइन।
तो यहाँ पे मैंने एक ब्रिक ले ली और इस ब्रिक का जो शेप है कैसा शेप है, हमारा क्यूबॉइडल शेप है। हम इसे क्यूबॉइडल शेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो प्लेन फेसेस हैं, सरफेसेस हैं, वो किस शेप में है, हमारी रेक्टेंगल शेप में है। तो हमारे क्या है, मैंने ले लिया यहाँ से यहाँ तक जो हमारा मेजरमेंट है, ये जो दिख रहा है आपको, मैंने बोल दिया ये हमारे क्या है लेंथ हमारे पास है। आई थिंक विजुअल नहीं है ये चीज़, ये हमारी लेंथ कहला दी, इससे मैंने लेंथ बोल दिया, इससे मैंने विड्थ बोल दिया, और इससे मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे हाइट बोल दिया। फाइन, अब क्यूबॉइड के पास कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं, कौन कौन सी टर्म होती हैं। एक तो हमारे पास टर्म होती है, इसका नाम क्या है, उसका नाम हमारा है फेस। एक हमारी क्वांटिटी होती है फेस। फेस कैसे बोलते हैं, फेस हमारा होता है जो आपको प्लेन सरफेस ये दिख रही है इसके चारों तरफ, उसे क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। फेस क्या होता है, जो हमारी प्लेन सरफेस आपको दिख रही है हम उसे क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। और टोटल फेस कितने होते हैं, टोटल हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, बॉटम फेस, टॉप फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फेस ये दिख रही है, एक इसके टॉप पे फेस दिख रही है, दो फेस हो गई, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, एक हमारी फ्रंट वाली और एक हमारी बैक वाली। अब इसमें हमारे पास क्या होती हैं, एज होती हैं, एक टर्म और होती है दैट इज एज होती है। हमने क्या किया, यहाँ से लेके जो आपको एक इसके किनारे दिखते हैं, इसके क्या दिख रहा है, मतलब हमने एक ब्रिक ली, ब्रिक का जो किनारा दिखता है हम उसे क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने डिस्टेंस एल लिया है, ये हमारे क्या कहलाता है, लेंथ कहलाती है, और ये हमारी एक एज हो गई। इसके अपोजिट साइड में भी क्या हो गई, एक लेंथ हो गई, इसके टॉप पे भी दो लेंथ हो गई, तो टोटल हमारे पास 4 क्या हो जाएंगी, एज हो जाएंगी, नीचे और ऊपर 4 हो गई। इधर लेफ्ट में कितनी हो गई, अब टोटल जो एज हो गई 4 एज हमारे पास, 4 एज बॉटम में हो गई, 4 हमारे टॉप पे हो गई, 8 और 2 हमारे सामने हो गई। तो टोटल जो हमारी एज होती हैं, टोटल हमारे पास 12 एजेस होती हैं। फाइन, अब हम वर्टेक्स की बात करें, कितनी वर्टेक्स होंगे, 1, 2, 4 वर्टेक्स हमारे टॉप पे हो गई एंड 4 हमारी बॉटम हो गई। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो टर्म आती है दैट इज वर्टेक्स, और एक क्यूबॉइड में टोटल हमारी 8 वर्टेक्स होती हैं। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, फॉर्मूला हमारा आता है एज प्लस 2, एज प्लस 2 इज इक्वल टू एफ प्लस बी। ये फॉर्मूला क्या करना है आपको याद रखना है, ठीक है, एज प्लस 2 इज इक्वल टू फेस प्लस वी। चेक कर लो, एज कितना हमारे पास है, 8 है, एज कितना हमारे पास है, 8 है, सॉरी 12 है, एज कितनी 12 है, माई मिस्टेक, एज कितनी है हमारे पास, 12 एजेस हमारे पास है, हमारे पास क्या है 12 एज है प्लस 2, फेस कितना हमारे पास है 6 है, वर्टेक्स कितनी 8 है, तो कितना आ रहा है हमारा 14 इज इक्वल टू 14 निकल के आ रहा है। फाइन, बहुत आसान है, हमारा सबने पहले पढ़ भी रखा होगा। अब सबसे पहली क्वांटिटी हमारी क्या आती है, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम उसे नाम देते हैं लैटरल सरफेस एरिया। क्या नाम देते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। और लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला याद रखते हैं, और वो कौन सा फॉर्मूला होता है, हमें फॉर्मूला पता है पेरीमीटर ऑफ द बेस। लैटरल सरफेस एरिया हमारा होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, लैटरल सरफेस एरिया का। तो पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर हमारा हो गया 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी हमारा हो गया, इनटू कितनी हो गई हमारी हाइट कितनी हो गई एच हो गई। तो हमारा लैटरल सरफेस एरिया निकल के आ गया 2h एल प्लस बी हमारा निकल के आ चुका है, और एक क्या हो गया, ये हमारा स्क्वायर यूनिट निकल के आ गया। फाइन, कोई डॉट किसी बच्चे का, जस्ट लेट मी नो, कोई डॉट किसी बच्चे का, आगे बढ़ते हैं। लैटरल सरफेस एरिया के बाद जो हमें नेक्स्ट टर्म समझनी है उसका नाम क्या हमारा है, टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया जो हमारा होता है वो होता है लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। अब एरिया ऑफ द बेस और एरिया ऑफ द टॉप हमारा सेम है, तो मैंने क्या कर लिया, टू टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ बेस मैंने यहां पे कर लिया। फाइन लैटरल सरफेस एरिया कितना मेरे पास है, टू टाइम्स ऑफ एच इंटू एल प्लस हमारा बी हो गया, प्लस एरिया ऑफ द बेस कितना हो गया, एरिया ऑफ द बेस एल इंटू बी हो गया, मीन्स टू एल इंटू बी हमारा हो गया। वेरी गुड आफ्टरनून अभी। तो यहां से मुझे निकल के आ गया टोटल सर्फेस एरिया टू टाइम्स ऑफ एल इंटू एच हो गया, बी इंटू हमारा एच हो गया, प्लस एल इंटू बी हमारा यहां पे निकल के आ गया। कल की क्लास मिस होगी, कल हमारी क्लास अच्छा ओके कितने में सोता हूं, 11 o'clock 11 बजे 11 बजे के अराउंड 11 PM। फाइन अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैंने टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया, मैंने लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया, और एक और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, और उस इंपॉर्टेंट क्वांटिटी का नाम क्या है, उस इंपॉर्टेंट क्वांटिटी का जो हमारा नाम है वो उसका नाम है हमारा डायगोनल। डायगोनल एक रूम का डायगोनल किसे बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट पोल होता है, वो कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हमारा हो जाता है। अब इस रूम का जो हमारा डायगोनल होगा, किसी भी रूम में जो लॉन्गेस्ट पोल मैं प्लेस कर सकता हूं, हम उसे क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ अ रूम बोलते हैं। तो डायगोनल ऑफ अ रूम हमारा किसके बराबर होता है, ए हमारा बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस एस, अभी बिल्कुल सही है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमारा क्या कहलाता है, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड हमारा कहलाता है। फाइन, कोई डॉट किसी बच्चे का यहां तक, बहुत ही आसान है। अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी यहां करेंगे, कोई डॉट किसी बच्चे का यहां पे, जस्ट लेट मी नो। ओके फाइन, अब नेक्स्ट वन, इसका डेरिवेशन, किसका डेरिवेशन, डायगोनल का। हमने फेस डायगोनल निकाल लिया, ए एल है और बी हमारे पास है, ए हमारा इस बहुत ही आसान है, मैंने इसे ज्वाइन कर लिया, ए हमारा क्या हो गया, हम इसे बोलते हैं फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, फेस डायगोनल हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एंगल हमारा 90 हो जाएगा, इसे मैंने ज्वाइन कर लिया और ये हमारा लॉन्गेस्ट पोल हो गया। यस, हाय रंजना। नेक्स्ट आते हैं, हमने क्यूबॉइड के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया, क्यूबॉइड के बारे जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट्स क्यूब। यस, नाइट में क्लास हमारी 8:30 PM पे होती है, 8:30 PM पे हमारी अन अकेडमिक की स्पेशल क्लास होती है। हेलो रंजना, कैसे हो। और जो हमारा क्यूब यहाँ पे है, क्यूब हमारा एक ऐसा क्यूबॉइड है, जो हमारा क्यूब है वो हमारा एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इस सभी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कौन सा कोर्स लेना है और इसे हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ द क्यूब हम बोलते हैं। फाइन, तो क्यूब जो हमारा है, उस क्यूब में एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट ओके ले सकते हो, और एक रेफरल कोड इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये चेक करना पड़ेगा मेरे को, ये तो चेक करना पड़ेगा मेरे को। तो यहां पे हमारा क्या है, अगर लेंथ, अगर ए भी हमारी ए हो जाए, ब्रेथ भी ए हो जाए और हमारी हाइट भी अगर ए हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, उस क्यूबॉइड को हम क्यूब बोलते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा क्यूब का कौन सा होता है, ठीक है, कौन सा हमारा एग्जांपल होता है क्यूब का, सभी ने क्या पढ़ा होगा, पासा, डाइस। डाइस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ क्यूब, जो हमारा डाइस होता है, पासा होता है, लूडो का जो हमारा पासा होता है
वो हमारा क्यूब का बहुत ही अच्छा हमारा एग्जाम्पल है। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करूँ तो लैटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए, और ए प्लस ए हो गया, मीन्स एस, ये हमारा फाउंडेशन कोर्स है, ये हमारा एक फाउंडेशन कोर्स है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2a इंटू 2a, और ये हमारा 4a स्क्वायर निकल के आ गया। मीन्स जो हमने क्यूबॉइड का फॉर्मूला निकाला था, कौन सा फॉर्मूला हमने निकाला था, 2h l प्लस बी, मैंने सभी की जगह मैंने क्या प्लेस कर दिया, मैंने a यहाँ पे प्लेस कर दिया, जैसे ही मैंने h की जगह a, एल की जगह ए और बी की जगह ए पुट किया, मुझे क्या मिल गया, लैटरल सरफेस एरिया मिल गया। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो टोटल सरफेस के एरिया क्या हो गया, जो हमने क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकाला उसमें क्या किया, मैंने ए पुट कर दिया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3a स्क्वायर इंटू 2, दैट इज 6a स्क्वायर हमारा निकल के आ जाएगा। फाइन, अब टोटल सरफेस एरिया के बाद में जो हमारा रह गया वो क्या रह गया, वॉल्यूम रह गया। अब वॉल्यूम पहले हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के वॉल्यूम निकालने का हमारा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ए लेंथ हो गई, ए ब्रेथ हो गई, और ए हमारी हाइट हो गई। अगर मैं क्यूबॉइड का मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम हमारा होता है एरिया, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो यहाँ से हमारे कितना हो गया, एरिया ऑफ द बेस कितना हो गया, एल इंटू बी हो गया, और हाइट हमारे पहले से ही है, तो मतलब जो वॉल्यूम निकल के आ गया वो एल बी एच क्यूबिक यूनिट निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, क्यूबिक यूनिट निकल के आ गया। अगर हमारा वॉल्यूम यहाँ पे एल वी एच है तो हमारा क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्यूब का हमारा वॉल्यूम हो गया ए इंटू ए इंटू ए, दैट इज ए की पावर 3 हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है। फाइन, तो हमने क्यूबॉइड के बेसिक फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, हमने क्यूब के बेसिक फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और रह गया, दैट इज डायगोनल। कौन सा डायगोनल रह गया, एक हमारा रह गया फेस डायगोनल। अगर मैं इसके फेस डायगोनल की बात करूँ तो इसका फेस डायगोनल होगा रूट टू ए, और इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, वो होगा रूट 3a, इसका क्या कहलाएगा, हमारा डायगोनल यहाँ पे कहलाएगा। फाइन, तो हमने क्यूबॉइड के फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, हमने क्यूब के फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, द डायमेंशंस l इंटू बी इंटू एच ऑफ अ रूम आर 12 मीटर 7 मीटर एंड 5 मीटर। मतलब कि एक रूम में मुझे लेंथ गिवन है, आई थिंक एक कलर विजुअल नहीं है यहाँ पे, मैं स्लाइड का कलर चेंज करूँगा नेक्स्ट टाइम। जो हमारी लेंथ है, लेंथ मुझे गिवन है ऑलरेडी 12 मीटर, मुझे ब्रेथ कितनी गिवन है 7 मीटर, और जो मेरी हाइट है वो मुझे कितनी गिवन है 5 मीटर यहाँ पे मुझे गिवन है। फाइन, किसका डेरिवेशन, वो हमने क्यूबॉइड से कर लिया, ऋषभ हमने क्यूबॉइड से डायरेक्टली कर लिया है। फाइन, इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसे उसमें लेफ्ट कर दिया, इसलिए मैंने उसे लेफ्ट कर दिया। यहाँ पे आ जाओ, डायगोनल ऑफ अ रूम मुझसे पूछा जाए, सबसे पहले मुझसे पूछा गया डायगोनल, दिख नहीं रहा है क्या, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, वाइट दिख रहा है ठीक से, वाइट कलर ठीक से दिख रहा है, लेंथ इज इक्वल टू 12 मीटर, वाइट कलर ठीक से दिख रहा है क्या, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी डू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया, कर सकते हैं
कर सकते हैं, लेकिन हम लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं, हम इन लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं, 9th 10th में नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारा 5 मीटर हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले मुझसे क्या पूछा गया है, डायगोनल ऑफ अ रूम पूछा गया है, क्या पूछा गया है, डायगोनल ऑफ अ रूम ये मुझसे पूछा गया है, फाइन। तो हाँ वो 12th का टॉपिक है, वो हमारा 12th का टॉपिक है, मैं वही बोल रहा हूँ। डायगोनल ऑफ अ रूम कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ए हो गया हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कौन बताएगा इसका आंसर जल्दी से, कौन बताएगा डायगोनल कितना निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया, 144 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 5 स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9, 5, 14 कितना, 18 हो गया, 4, 6, 14 और 6 20, 218 हो जाएगा। यस, आंसर हमारा रूट में आएगा, आंसर हमारा रूट में आएगा, स्क्वायर रूट 200 निकल के आ गया हमारा, फाइन। नेक्स्ट पे आते हैं, हमसे क्या पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एट द रेट ऑफ ₹2 पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि जो हमारा फ्लोर है, ठीक है, उस फ्लोर का हम क्या करना है, उसकी सफाई करवानी है। तो उसका जो कॉस्ट गिवन है, 1 मीटर अगर मैं एरिया की सफाई करवाता हूँ उसकी कॉस्ट ₹2 है, तो पूरे फ्लोर की, फ्लोरिंग की सफाई की जो कॉस्ट होगी कितनी होगी, हमसे ये पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, बी के लिए सबसे पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया एरिया ऑफ द फ्लोर, मैंने कैलकुलेट कर लिया एरिया ऑफ द फ्लोर, और एरिया ऑफ द फ्लोर का मतलब कितना हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। लेंथ कितना हमारे पास है, लेंथ हमारे पास 12 मीटर मेरे पास है, और ब्रेथ कितना हो गया, इस 7 मीटर हो गया, दैट इज 84 मीटर स्क्वायर हमारा निकल के आ गया, फाइन। अब मैं सिर्फ कॉस्ट निकाल सकता हूँ, तो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ जो फ्लोरिंग है वो हमारा हो जाएगा 84 इंटू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, 8 2 16 एंड 4 2 8 रुपीज में आएगा। कॉस्ट कितनी आएगी, 168 रुपीज हमारी कॉस्ट यहाँ पे निकल के आएगी, फाइन फाइन क्लियर। अब लास्ट हमारा क्या है, कोई डॉट किसी बच्चे का यहाँ तक, कोई डॉट किसी बच्चे का यहाँ तक, जस्ट लेट मी नो। ये हमारा फाउंडेशन है रंजना, ये हमारा फाउंडेशन है फॉर क्लास 8th 9th 10th, ये हमारी फाउंडेशन सीरीज है। नेक्स्ट हमारा क्या है, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द इनसाइड ऑफ द रूम एक्सक्लूडिंग द फ्लोर। मैं रूम को क्या कर रहा हूँ, वॉश करो, एस मोहन पियर्सन की बुक को फिर से ले आया हूँ, एस मोहन पियर्सन की बुक को फिर से ले आया हूँ, कई बच्चों ने बार बार मुझसे बोला था, इसलिए मुझे इस बुक को फिर से लाना पड़ गया। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग मतलब कि जो हमारा एक रूम है, उस रूम में मैं फ्लोर को छोड़ के मैं बाकी उसकी वॉल्स को, ठीक है, और उसकी सीलिंग को क्या करा रहा हूँ, वॉश करा रहा हूँ। तो वॉशिंग की हमसे कॉस्ट पूछी गई है, तो हमारा क्या है यहाँ पे, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया फॉर वाइट वॉशिंग, हम एरिया फॉर वाइट वॉशिंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया फॉर वाइट वॉशिंग क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग हमारा निकल के आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया माइनस का एरिया ऑफ द बेस, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, ये हमारे पास 2 times ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो गया, और माइनस का कितना हो गया, ये एरिया ऑफ द बेस हो गया, दैट इज एल इंटू एच हो गया। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमने क्या देखा, 2 times ऑफ एल इंटू बी, ये 84 हो जाएगा, बी इंटू एच ये 35 हमारा हो गया, एल इंटू एच ये कितना हो गया, 60 हो गया, माइनस का एल इंटू एच
तो ए कितना हो गया हमारा 60 हो गया। फाइन, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना 549 निकल के आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 9 हो जाएगा 69, ए 179 माइनस का 60 हो जाएगा, 9 2 18 हो गया, 358 माइनस का 60 हो गया, और जो हमारा आंसर निकल के आया है कितना आ जाएगा 8 हो गया, 50 में 60 9 हो गया, 298 निकल के आ गया। तो जो एरिया निकल के आ गया है जिसे मुझे वॉश करना है वो 298 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। और अगर मैं कॉस्ट को कैलकुलेट करूँ तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू 298 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 8 3 24 29 894 आ रहा है, 894 आ रहा है, 820 कहने का मिस्टेक हो रही है। बड़ा चेक करना पड़ेगा रंजना, वो चेक करना पड़ेगा क्या प्राइसिंग है। आई थिंक क्लास 8 की जो प्राइसिंग वो 15,000 के अप्रॉक्स में है, 1 ईयर प्लान की जो कॉस्ट है वो हमारी 15 के अप्रॉक्स में है। मैं 8th 9th 10th का कंबाइंड में लोगों तो बेटर रहेगा, 8th 9th 10th कंबाइंड में लोगों तो बेटर रहेगा। कोई डॉट किसी क्वेश्चन में, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई डॉट, जस्ट लेट मी नो, 822 आएगा या 894 आएगा, कहाँ पे मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक हो रही है तुम्हारी मिस्टेक हो रही है। 894 निकल के कॉस्ट आ रही है यहाँ पे, इतना ही आएगा। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, एक बॉक्स है, एल बी मैंने माइनस किया हुआ देखो यहां पे, एल बी एरिया ऑफ द बेस, यहाँ पे मिस्टेक, माइनर मिस्टेक यहाँ पे, यस एल बी माइनस होगा, यस बिल्कुल सही है यहाँ पे एल बी वो एल एच होगी, बाई मिस्टेक मैंने एल एच कर, एरिया ऑफ द बेस कितना हो गया, यस बिल्कुल सही ऋषभ, यस एल बी माइनस होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना हो गया 84 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 84 हो गया, ये हमारा 84 हो गया। तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा जो निकल के आ जाएगा दैट इज ए 4 हो गया, ए 3 हो जाएगा, 234 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 234 इंटू 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 702। एक सेकेंड, 702 निकल, यस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, अ बॉक्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, इट्स आउटर इज 5 मीटर लॉन्ग, द टोटल लेंथ ऑफ द एज, जो हमारी टोटल लेंथ होगी एजेस की वो कितनी होगी, हमसे ये पूछा गया है। टोटल एजेस का मतलब क्या हो गया, उसका हमसे पैरीमीटर पूछा गया है। अब टोटल एज कितनी है हमारी, अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं क्यूबॉइड में और क्यूब में, नंबर ऑफ एजेस हमारी कितनी होती हैं 12 होती हैं, फाइन। अब लेंथ पूछी गई है तो टोटल लेंथ कितना हो गया, टोटल लेंथ हमारा हो गया 12 और एक एज कितनी हमारे पास है 5, 12 5 60 मीटर हमारा निकल के आ गया, फाइन। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, बी आ गया, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटसाइड ऑफ द बॉक्स ऑन ऑल द सर्फेसिस एट द रेट ऑफ रुपीज 5 per meter square, मतलब कि मैं उसे चारों तरफ से पेंट कर रहा हूँ बॉक्स को, जो क्यूब के शेप में है उसे मैं चारों तरफ से क्या कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ। तो हमारा सबसे पहले कौन सा एरिया कैलकुलेट करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हमारा 6a² हमारा होता है, दैट इज 6 × 5 का स्क्वायर, दैट इज 6 × 25, और यहाँ पे कितना आ गया हमारा 150 मीटर स्क्वायर हमारा निकल के आ चुका है, फाइन।
कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अगर कैलकुलेट करूँ तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये हमारी निकल के आ जाएगी 150 इंटू 5, दैट इज रुपीज 750 हमारा निकल के आ जाएगा। फाइन, कोई डॉट किसी बच्चे का, जस्ट लेट मी नो, कहीं पे कोई डॉट किसी बच्चे का, जस्ट लेट मी नो। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो हमारी निकल के आएगी वो रुपीज 750 हमारी निकल के आएगी। फाइन, क्या इतना नहीं आएगा रंजना? कहां पे रॉन्ग हो गया? कहां पे रॉन्ग है? ऐसे कैसे हो रहा है पिछले क्वेश्चंस में? चलो इस उसे लेफ्ट कर दो अभी के लिए, इस पे देख लो जरा, उसे लेफ्ट कर दो, यहां पे देख लो। ऋषभ बाद में, अब पता चल गया कहाँ पे है, तो कोई बात नहीं, हम बाद में चेक कर लेंगे उसे। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। यस ऋषभ समझ गया मैं, ऋषभ समझ गया। टू सेवेंटी फोर आएगा, ओ सॉरी सॉरी, टू सेवेंटी फोर यहाँ पे आएगा, टू सेवेंटी फोर यहाँ पे आएगा, टू सेवेंटी फोर तो 822 जाएगा। यस यस यस, कैलकुलेशन मिस्टेक है, माइनस ही कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे। 274 और हमारा 822 हो गया। यस बिल्कुल सही है, यस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ, लास्ट पे आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हाय अथर्व, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब That can be carved out from it. जल्दी से सॉल्व करो, बताओ क्या हो गया इसका आंसर। जल्दी से सॉल्व करो और बताओ क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इजी वन है, इजी वन है। If the dimensions of the cuboid are given, एक क्यूबॉइड है, इसके मुझे डायमेंशंस पता है, मुझे लेंथ पता है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, मुझे इसकी विड्थ पता है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर हमारे पास है। इस देखो, सपोज ये मेरे पास क्या है, एक क्यूबॉइड ले लिया मैंने, मैंने क्या किया, एक क्यूबॉइड ले लिया। अब इस क्यूबॉइड में मुझे क्या क्या गिवन है, इस क्यूबॉइड में मुझे गिवन है लेंथ, लेंथ गिवन है मुझे 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ मुझे गिवन है 4 सेंटीमीटर, और हाइट मुझे गिवन है इसकी 3 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर मैं मैक्सिमम वॉल्यूम का अगर क्यूब कट करूं तो उसकी हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हाइट हमारी सिर्फ 3 हो सकती है। अगर मैक्सिमम हाइट हमारी 3 हो सकती है, इसका मतलब जो मिनिमम होगा लेंथ ब्रेथ और हाइट में, जो हमारा मिनिमम होगा वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी एज ऑफ द क्यूब हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, हमारी एज ऑफ द क्यूब हमारी हो जाएगी। तो उस क्यूब का जो हमारा वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 × 3 × 3, दैट इज 27 सेंटीमीटर क्यूब। यस बिल्कुल सही आंसर है, 27 से करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। सक्षम सिंगल, मेरे पास नहीं है, बच्चों के पास है, कई सारे बच्चों के पास पियर्सन की पीडीएफ है। इज इट क्लियर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ए है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, सॉल्व करो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। लैटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे साइड गिवन है, मुझे क्यूब की साइड गिवन है, और साइड कितनी गिवन है, मुझे 8 सेंटीमीटर गिवन है। क्लास 9th हमारा निल है,
अगर मैं इसका क्या कैलकुलेट करूं, लेटरल सरफेस एरिया कैलकुलेट करूं, तो हमारा कितना होगा, ए हमारा होगा 4a² दैट इज 4 × 8a² दैट इज 4 × 64, 4 × 4 = 16 और ये हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और बी हमारे क्या हो गया, डायगोनल हो गया, हमारे क्या हो गया, डायगोनल। और डायगोनल का हमारा फॉर्मूला कितना होता है, √3 × a हमारा डायगोनल का फॉर्मूला होता है, तो हमारा डायगोनल कितना हो गया, 8√3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर हमारे क्या हो गया, ए इसका डायगोनल निकल के आ गया। ओके सक्षम, इस पहले वाले पार्ट का हमारा आंसर हो गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड पार्ट का जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 8√3 सेंटीमीटर, 8√3 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर निकल के आ गया। फाइन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सोप्स ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यस, एक क्लास 9th का हम स्टार्ट किए हैं मेंस्ट्रुएशन, जहां पे हम क्यूब एंड क्यूबॉइड डिस्कस कर रहे हैं, और इस सोप को मैं एक क्यूबॉइडल शेप के बॉक्स में पुट कर रहा हूं, तो हमसे नंबर ऑफ सोप पूछे गए हैं। तो नंबर ऑफ सोप, जब भी मुझे कहीं पे किसी भी तरीके का कोई नंबर निकालना हो, क्वांटिटी निकालनी हो, तो नंबर ऑफ सोप में जो बिगर वॉल्यूम होगा वो हमारा अपवर्ड रहता है। ऋषभ का आंसर 9 आया, सक्षम का आंसर 9 आया, अभी चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, टॉप पे रहेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, और डिनोमीटर में कितना रहेगा, हमारा रहेगा वॉल्यूम ऑफ अ सोप। एक सिंगल सोप का वॉल्यूम कहाँ रहेगा, हमारा डिनोमीटर में रहेगा। लव पाटीदार ने आंसर दिया 9, सभी का आंसर 9 आया, जल्दी से चेक करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 × 3 × 15 डिवाइड बाई 2 × 3 × 5, 2 × 3 = 6, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, बिल्कुल सही आंसर है। 8th क्लास की लैपलेस यहाँ पर नहीं चलती है। यस निशिन, 9 इज अ करेक्ट आंसर। यस रंजना, 9 इज अ करेक्ट आंसर। क्लास 8th की क्लास इस चैनल पर नहीं चलती है, बाकी चैनल पर क्लास 9th की चलती है। यहाँ पे क्लास 9th, 10th, 11th, 12th फाउंडेशन चलता है यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व करवा दे रहा हूँ। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया व्हेन 8 क्यूब स्टैक्ड टू फॉर्म अ बिग क्यूब। मतलब कि मेरे पास छोटे छोटे 8 क्यूब हैं, मेरे पास क्या है, 8 क्यूब हैं, मेरे पास छोटे छोटे क्या हैं, 8 क्यूब हैं, और इनकी संख्या कितनी है, 8 हमारे पास है। अब इन 8 क्यूब को ज्वाइन किया मैंने, 8 को मैंने ज्वाइन किया, और एक क्या बना दिया, एक बड़ा सा मैंने बिग क्यूब बना दिया। और बिग क्यूब बनेगा कैसे, 4 क्यूब को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 को नीचे रखना पड़ेगा, और इन 4 के ऊपर ही 4 और रखने पड़ेंगे, मेरा क्या बन जाएगा, एक बिगर क्यूब बन जाएगा। फाइन, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इसकी साइड को मैंने मान लिया लेट, आसानी के लिए मैंने मान लिया लेट, इसकी जो एज है, इसकी एज को मैंने 1 मान लिया। तो एक हमारा जो क्यूब है उसका एरिया कितना हो जाएगा, उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना होगा, हो जाएगा 6a² और यहाँ पे a को मैं क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6 हो गया। अब ये तो हमारा एक क्यूब का एरिया है, तो 8 का एरिया ऑफ 8 क्यूब का हमारा एरिया कितना हो गया, 8 × 6 दैट इज 48 स्क्वायर यूनिट हो गया। अब इन 8 क्यूब को मैंने कैसे अरेंज किया होगा, जल्दी से समझते हैं, हमने इन 8 क्यूब को कैसे अरेंज किया होगा, ध्यान से देख लो। हमने यहाँ पे क्या किया होगा, हमने
चार टुकड़े नीचे लगाए और चार टुकड़े उनके ऊपर रख दिए, चार चार आठ हो गए और हमें एक बिगर क्यूब मिल गया। तो छोटे वाले की साइड वन है, यहाँ भी वन है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल टू हो जाएगी। तो बड़े वाले के लिए बिगर वाले की जो हमारी एज होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हमारी टू हो जाएगी। तो बिगर वाले का जो हमारा एरिया होगा, एरिया किसका होगा, बड़े वाले का जो हमारा एरिया होगा वो कितना हो गया, वो हो गया 6a² दैट इज 2 स्क्वायर। तो 6 4 जाए कितना हो जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट निकल के आ जाएगा। अब हमसे परसेंटेज डिक्रीमेंट पूछा गया है, तो परसेंटेज हमारा डिक्रीमेंट कितना हो गया, 48 में से कितना आ गया, 24 डिवाइड बाई 48 इंटू कितना हो गया, हमारा 100 हो गया। तो यहाँ से मुझे मिल गया 24/48 इंटू 100 हो जाएगा, 24 2 48 हो जाएगा। मीन्स जो एरिया हमारा डिक्रीज हुआ है वो 50% निकल के आ गया। परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज डिक्रीमेंट कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इज दैट क्लियर, कोई डॉट कहीं पे? परसेंटेज इंक्रीमेंट और परसेंटेज डिक्रीमेंट हमारे कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, फाइन? कोई डॉट कहीं पे किसी बच्चे का? जस्ट लेट मी नो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 3.2 सेंटीमीटर। मेरे पास 3 क्यूब्स हैं और मैंने उन्हें ज्वाइन कर दिया। मैंने क्या किया, 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया। अगर मैंने 3 क्यूब्स को ज्वाइन किया होगा तो मुझे इस तरीके का क्यूबॉइड मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर छोटे वाले की साइड ए थी तो बड़े वाले की जो लेंथ होगी वो 3a हो गई, ए ही रहेगी और ए जो हाइट है ए भी हमारी ए रहेगी, फाइन। तो सबसे पहले जो हमारे ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू मेरे पास है 3.2 सेंटीमीटर। अगर बिगर वाले की लेंथ कितनी हो गई, 3a हो गई, जो हमारा क्यूबॉइड फॉर्म हुआ उसकी लेंथ कितनी हो गई, ए प्लस ए प्लस ए, 3a हो गई। मीन्स 3 इंटू कितना हो गया, हमारा 3.2 हो गया, मीन्स 9.6 सेंटीमीटर निकल के आ गई। और इसकी जो विड्थ है वो ए के बराबर ही रहेगी, मीन्स 3.2 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी हमारी ए के बराबर रहेगी, मीन्स 3.2 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है। तो टोटल सरफेस एरिया को मैंने यहाँ पे वैल्यूज तो निकलवा दी हैं, लेकिन वैल्यूज से पहले हम टोटल सरफेस एरिया यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इनकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, ब्रेड्थ इंटू हाइट हो गया, और लेंथ इंटू कितना हो गया, हाइट हो चुका है। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3a इंटू a कितना हो गया, ये हमारा 3a² हो गया, b इंटू h कितना हो गया, ये हमारा a² हो गया, लेंथ इंटू h कितना हो गया, ये हमारा 3a² हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। तो हो गया 3 3 9 9, और 1 कितना, 10 हो जाएगा, 10 2 20a² निकल के आ गया। जो टोटल सरफेस एरिया है वो मेरा कितना हो गया, 20a² हो गया। अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता, लेकिन मैंने वैल्यू को पुट करने से पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको a में कैलकुलेट कर लिया। अब a की वैल्यू पुट कर दो, अगर मैं ए की वैल्यू पुट करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, ये हो गया 20 × 3.2 का होल स्क्वायर हमारा हो गया। इसे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना निकल के आ रहा है, ये हमारा हो जाएगा 20 × 10 दैट इज 10.24 हो गया, 10.24 हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 204.8 निकल के आ गया। कहीं पे मिस्टेक हो रही है, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, शायद चेक करो कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो।
एरिया हमारा निकला जाएगा 204.8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। जल्दी से चेक करो कहां पे मिस्टेक हो रही है। टोटल सरफेस एरिया 14 ए स्क्वायर निकल के आ रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? 14 कैसे आ जाएगा? चेक करते हैं। एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, हमारा 3 ए हो गया, तो 3 लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 इंटू ए, 3 इंटू 3 ए इंटू ए कितना हो गया हमारा? 3 ए स्क्वायर हो गया। अब बी इंटू एच, ए इंटू ए कितना हो गया हमारा? ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, सॉरी यस ऋषभ बिल्कुल सही है, वो सही है ऋषभ, यहाँ पे मिस्टेक है, 14 ही आएगा, 14 ए स्क्वायर आएगा। यहाँ पे कितना हो गया? 14 हो गया, तो हमारा हो जाएगा 14 इंटू कितना हो जाएगा? ए हमारा हो गया था 10.24 हो गया था, 10.24 हो जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर निकल गया है हमारा? बिल्कुल सही है, 143.36। आज कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है? आज मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों ज़्यादा हो रही है? यस बिल्कुल सही ऋषभ, 14 ए स्क्वायर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आई थिंक ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। ओके फाइन, दिवाकर गुप्ता, हमें करना क्या होता है, मैथ्स में अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं बनने हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है, कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, नहीं समझ में आ रहा फिर से कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, और 5 to 6 हमारे डिफरेंट तरीके के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और जितने ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन लगाते जाएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? आपको पहले इजी क्वेश्चंस करने हैं, फिर एवरेज क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको एडवांस क्वेश्चन करने हैं। फाइन, इसके बाद में हमारे क्या है, क्यूब एंड क्यूबॉइड का हमारा एक प्रैक्टिस सेशन है। सभी बच्चे इस प्रैक्टिस सेशन को सॉल्व करेंगे और कल हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और प्रैक्टिस सेशन का ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको कल सॉल्व करके दिखाना है। आप कल हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। यस, एक बार 1 वीक ट्राई करके देखो, 1 वीक मेरे लेक्चर देख के देखो और फिर बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, लग जाएगा तुम्हें। दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है, एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, सॉल्व करना है और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सॉल्व करना है और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा होगा 20 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे होगा। फाइन, और जो बच्चे लेट आए हैं, मेरी जो नेक्स्ट क्लास है एनसीईआरटी के साथ में आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल, आज जो मेरी नेक्स्ट क्लास है अब वो 7 पीएम पे है, और जहाँ पे हम ज्योमेट्री में आज थ्योरम्स करने वाले हैं सर्कल की, और साथ में प्रैक्टिस सेशन, और 8:30 PM पे हमारी अन अकेडमी की स्पेशल क्लास होगी। तो जो बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक मुझे अन अकेडमी पे फॉलो नहीं किया है, वो बच्चे मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर लें। वेलकम एवरीवन, अन अकेडमी पे मुझे फॉलो कर लो और मेरी आने वाली क्लासेस के लिए इनरोल कर लो। ठीक है, और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड NTSC, इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंजॉय।